बायोकेमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट जिसे मैं समझता हूँ कि फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक के स्टूडेंट्स भी पढ़ने में कचवाते हैं। और इसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि क्लिनिकल पार्ट पढ़ने के लिए, डिसीज़ को समझने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारे मेटाबॉलिज्म देखने पड़ते हैं, बहुत सारे केमिकल स्ट्रक्चर्स देखने पड़ते हैं, जिसके कारण यह काफ़ी बोरिंग सा लगने लगता है। और जो वर्ड्स आते हैं इसमें बीच बीच में, वो कई बार तो ऐसा लगता है कि किस लैंग्वेज के हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम बायोकेमिस्ट्री को बिल्कुल आसान तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, ताकि आपको सब्जेक्ट का बिल्कुल डर ना रहे और आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम एज वेल एज लॉन्ग रन में आपको बायोकेमिस्ट्री पढ़ना है, याद रखना है, तो आप उसको कैसे रख सकते हैं। तो शुरू करते हैं, उसके पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने बैच ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाएँ, क्योंकि ये अभी की ज़रूरत है। यदि एक महीने बाद किसी स्टूडेंट को इसका पता चलेगा तो शायद हमें भी ज़्यादा दुख होगा, उसे भी दुख होगा कि उसके पास आसान तरीका था। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं और इस वीडियो के बाद ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बुक्स टू स्टडी इन बायोकेमिस्ट्री, फिर हम बात करेंगे चैप्टर वाइज कि हमें कैसे अप्रोच करना है। पूरी अप्रोच काफ़ी सिस्टमेटिकली प्लान की गई है। तो शुरू करते हैं, बुक्स कौन सी पढ़ना है। तो आइए बुक्स वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो जो चार बेसिक बुक्स हैं जो कि काफी जगह पढ़ी जाती हैं, उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, फॉरेन ऑथर की जो बुक्स हैं वो कंपैरेटिवली अंडरस्टैंडिंग में डिफिकल्ट होती हैं, है ना, और जो इंडियन ऑथर्स की वो काफी आसान है। तो ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मेरे हिसाब से हार्पर और लिपिनकॉट लगभग बराबर है, वासुदेवन इज कंपैरेटिवली टफर देन सत्यनारायण। अब आपके पास कितना टाइम है और आप कितने एफर्ट्स देना चाहते हैं, उस हिसाब से मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा कि आप पहले तो, अगर वासुदेवन सत्यनारायण में डिफरेंशिएट करना है तो कुछ चैप्टर्स वासुदेवन में अच्छे हैं काफी, जैसे कि आपके जो भी एडवांस डिसीजेस वाला पार्ट हो गया, है ना, और साथ ही साथ टूल्स वाले पार्ट हो गए, तो वो काफी अच्छा दिया है। और जो आपको हर चैप्टर के बाद क्वेश्चंस मिलते हैं असेसमेंट के लिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, वो बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं। वहीं सत्यनारायण में मेटाबॉलिज्म मेरे ख्याल से सबसे इजीएस्ट अगर कहीं दिया है तो वहीं पे दिया है। तो अगर आप ऐसा डिफरेंशिएट करके पढ़ना चाहते हैं तो आप वैसे ही पढ़ सकते हैं। और यदि आप हार्पर या लिपिनकॉट भी पढ़ना चाहते हैं तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि पहले वासुदेवन या सत्यनारायण से रीडिंग वन लगा लें, फिर उसको हार्पर में जाएं और हार्पर से जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं उसको स्ट्रॉन्ग करें, और फिर एक जगह पे नोट डाउन करके उसको खत्म करें। बिकॉज आप सीधे हार्पर पे जाएंगे तो आपका काफी टाइम अभी फेच आउट हो सकता है। सो दिस इज ऑल यू नीड टू नो रिगार्डिंग द बुक्स। आप एक बुक पे स्टिक रह के उसको भी अच्छे से करते हैं तो कोई इश्यूज नहीं है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अगला टॉपिक, जो कि है हमारा चैप्टर वाइज अप्रोच। तो चैप्टर वाइज अप्रोच में आई होप आपको समझ में आ गया हो जनरल बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो जनरल बायोकेमिस्ट्री बिल्कुल बायोकेमिस्ट्री का एक बच्चा है, ओके। पर कई बार क्या होता है कि इसमें डिटेल्स तो काफी दी हैं, तो हम वो डिटेल्स पढ़ने में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम आगे के चैप्टर्स में बढ़ ही नहीं पाते। तो जनरल बायोकेमिस्ट्री में आपको क्या अप्रोच प्लान करनी है, आपको बेसिकली जो चैप्टर्स है आपके बेसिक कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट न्यूक्लिक एसिड और विटामिंस और एंजाइम, इनको क्या अप्रोच से करना है वो अब मैं आपको बताता हूँ। तो आपको क्या करना है, इसके लिए वॉल टेक्निक का यूज करना है, ओके। वॉल टेक्निक का मतलब क्या है कि जैसे आपको पता होगा ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स या हम 11 12th में बायोमोलिक्यूल चैप्टर में पढ़ते थे, ओके। तो यदि आपके पास आपके नीट के नोट्स हो या कुछ टॉपिक्स के मैंने वीडियो बनाए हैं तो आप एक पहला आइडिया उससे लगा लो, ठीक है, वो बेसिक कई बार वही काम आ जाता है, ओके। उसके बाद आप बुक रीड करो। अब आपको बुक पूरी रीड नहीं करना है, मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट्स बताने वाला हूँ अगली उसमें। तो अगली उसमें हम देखेंगे जो चार्ट्स, तो वो चार्ट आपको रफ में एक बार बनाने हैं बुक रीड करते करते, उतना ही पार्ट। फिर उस चार्ट को आपको एक घंटे बाद फेयर में बनाना है और उसको अपनी वॉल पे स्टिक कर लेना है। फिर उसको आपको हर अल्टरनेट डेज पे देखना है और फिर 7 days बाद लिख कर देखना है कि वो आपको लिखते आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, उसे अलग रख लीजिए और बाकी चार्ट्स के लिए जगह बना लीजिए। तो क्या टॉपिक्स हैं वो जो बेसिकली मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये टॉपिक्स हैं, ओके। तो सिर्फ 21 चार्ट्स हैं जिनसे आपकी पूरी जनरल बायोकेमिस्ट्री समअप हो जाएगी। पहले आप इन्हीं पे फोकस करिए, इनको बहुत अच्छे से 2-3 times अच्छे से याद कर लीजिए और बस। उसके अलावा आप जनरल बायोकेमिस्ट्री अभी ना पढ़ें तो भी चल जाएगा, बिकॉज हमें आगे की बायोकेमिस्ट्री मेन पढ़नी है, क्योंकि वो हमें क्लिनिकल डिसऑर्डर्स देगी और आप डॉक्टर बन रहे हैं तो आपको उस पर फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ये आप 21 चार्ट्स, अगेन जो मैंने आपसे टेक्निक कही उसी टेक्निक से फॉलो करें और उसको समअप करें। तो मेरे ख्याल से दिस इज सफिशिएंट यू नीड टू नो रिगार्डिंग जनरल बायोकेमिस्ट्री। आगे बढ़ते हैं, तो अब
मेन कोर बायोकेमिस्ट्री पे आते हैं, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म क्या अक्सर डराता है ना, तो मेटाबॉलिज्म में क्या अप्रोच करना है, कटआउट साइकिल स्ट्रेटेजी। कटआउट साइकिल स्ट्रेटेजी क्या है, बेसिकली जैसे आपने फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं या जो मैंने वीडियोस बना रखे हैं मेटाबॉलिज्म में, अगर आपने उसको देखा हो, तो अभी आपको क्या करना है, आपको कोई भी बुक है, सत्यनारायण वासुदेवन जो भी बुक है, आपको बुक खोलने से पहले, सपोज मैं टीसीए साइकिल की बात कर रहा हूं, तो आपको उसका टेक्स्ट नहीं पढ़ना है। जैसे आप अनाट में करते हो, डायग्राम बनाते हो पहले, तो पहले वो साइकिल को रफ में बिना टेक्स्ट पढ़े ड्रॉ करो, ठीक है, एज इट इज देख लिया आपने एक बार। अब उस साइकिल को आप बुक के एक पेज पे रखो और एक पेज पे आपकी बुक की रीडिंग्स है, तो वो जो भी साइकिल का एक्सप्लेनेशन है ना, आप पढ़ते जाओ। और इस रिएक्शन, सपोज रिएक्शन दे रखी है और इसका एक्सप्लेनेशन याद दिया है, तो जो ऐसा पॉइंट है जो कि उस रिएक्शन में नहीं आ पा रहा है, उसको उसी साइकिल में इंक्लूड कर लो, ठीक है। और फिर उसको इंक्लूड करने के बाद एक पूरा चार्ट बन जाएगा आपका उस साइकिल का। फिर एक घंटे बाद उस चार्ट को वापस से लिखो। अब की बार आप क्या करो, साइकिल एक साइड पे लिखो और पिछले साइड पे जो पेज का दूसरा साइड होगा उस पे आप क्या करो, दूसरी इंफॉर्मेशन। दूसरी इंफॉर्मेशन मतलब जैसे रेट लिमिटिंग स्टेप, एंजाइम्स जो जो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, फिर आपकी एनर्जेटिक्स कितनी लगी और डिसीजेस क्या क्या होती हैं। तो ये इससे आपकी टीसीए साइकिल पूरी एक पेज पे खत्म हो गई। फिर इसको आपको अल्टरनेट डेज पे देखना है और लिखना है आपको इसको बार बार सेकेंड फोर्थ और सेवेंथ डे पे। साइंटिफिक तरीका है, रिवाइज नहीं करेंगे जब तक साइकिल्स याद नहीं होनी है। तो बस उसको याद रखिए, उसको चाहे तो वॉल पे नहीं चिपका पाएंगे क्योंकि दोनों साइड इन्फॉर्मेशन है, तो उसको अपने पास रखिए और ऐसे आप बनाते रहिए। अब इसमें साइकिल्स क्या क्या याद रखनी है वो मैं आपको बता देता हूं। तो आपको क्या करना है, एक साइड पे ये साइकिल्स लिख लेनी है, ओके। कैसी स्ट्रेटेजी से, वही पहले सिर्फ साइकिल बनाई, फिर उसकी रीडिंग इंक्लूड करी, कुछ नया मिला तो लिखा, नहीं तो आगे बढ़ गए, ओके। अदर साइड में उसके रेगुलेशन, एनर्जेटिक्स, कोई रेट लिमिटिंग स्टेप है तो, और साथ ही साथ डिसऑर्डर्स एसोसिएटेड। सो इसमें जो साइकिल्स है, मेरे ख्याल से इतने डिसऑर्डर्स आपको इस समय जानना इंपॉर्टेंट है और ये सफिशिएंट है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, जो आपका दूसरी साइकिल्स हैं जिनको आपको ध्यान देना है, तो दूसरी साइकिल्स में आपको ये प्रोटीन रिलेटेड साइकिल्स हैं, तो प्रोटीन में सारी साइकिल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपको है वो इंडिविजुअल अमीनो एसिड जो है वो मैंने अपने वीडियोस डाल रखे हैं, आप वो देख लीजिए, पर इनके डिसीजेस सारे इंपॉर्टेंट हैं, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के भी, आपके प्यूरिन के भी, गाउट वाउट सारे, ठीक है, और साथ ही साथ हीम के भी, जो आपके सारे पोरफाइरेमियाज हैं वो सब इंपॉर्टेंट है। तो आपको इस टाइप से उसको सम अप करना है, तो ये चीज आपका ज्यादा टाइम नहीं लेगी। आप एक दिन का अगर बायोकेमिस्ट्री 2 घंटा दे रहे तो आप 2 से 3 साइकिल, 2-3 चार्ट बना सकते हैं, क्योंकि आपको बुक रीड करते नहीं बैठना है, आपको सिर्फ चार्ट बनाना है। चार्ट को समझने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उतना टेक्स्ट आप पढ़ लिए साइकिल से, खत्म। बाकी आप एक रफ रीडिंग भी लगा लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सब चीज साइकिल से ही बन के आ रही है, आप एक बार पढ़ के देखिएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं जेनेटिक्स में, ठीक है। तो हम जनरल देख चुके हैं, मेटाबॉलिज्म देख चुके हैं, अब जेनेटिक्स में क्या करना है। जेनेटिक्स अगेन जनरल बायोकेम जैसा करता है, बिल्कुल वैसे ही जेनेटिक्स भी आप लोग पढ़े होंगे नीट के टाइम पे, सेम अप्रोच करिए, ठीक है। अब इसमें चार्ट्स क्या क्या बनाने हैं वो मैं आपको बता देता हूं। और जेनेटिक्स मैं पर्सनली आपसे कहूंगा कि सत्यनारायण में थोड़ा सा ईजी दे रखा है, तो अगर टाइम की कमी हो तो उससे कर सकते हैं। तो चार्ट्स इसमें बहुत कम चार्ट्स हैं, अगेन मैं आपसे कहूंगा, कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा नीट का नॉलेज है वो ज्यादा डिटेल्ड है, ठीक है। तो बस इन्हीं चार्ट्स पे आप फोकस करिए अभी, और इनको अच्छे से जैसे आपको बोला है वैसे बनाइए और उसको रिवाइज करिए। अब रिवाइज कैसे करना है और वो सब क्या करना है वो मैं आपको थोड़ी देर में बता रहा हूँ, और गोल्डन रूल भी समझा रहा हूँ। सो बेसिकली अब अगले पार्ट पे आते हैं, जो आपके क्लिनिकल पार्ट है और टेक्निकल पार्ट है, ओके। क्लिनिकल पार्ट में आपकी सारी डिसीजेस और उनकी टेस्ट, ओके। तो यदि ऑर्गन फंक्शन टेस्ट की मैं बात करूं तो आपको इन सब में क्या करना है, हेडिंग्स डिसाइड कर लेना है। अगर आप चार्ट बना रहे हैं, आपके नोट्स बना रहे हैं, तो हेडिंग्स डिसाइड कर लीजिए। आपको ऑर्गन फंक्शन टेस्ट है तो सपोज किडनी फंक्शन टेस्ट है, तो बस आपको टेस्ट के बारे में क्या कैसे होता है ये थोड़ा पता होना चाहिए, आपको उससे रिलेट कैसे करना है, कब परफॉर्म होती है, ये सब चीजें आपको 3-4 हेडिंग फिक्स कर लेनी है हर टेस्ट की, और बस आपको उसी के रिलेटेड टेक्स्ट पढ़ना है कि मुझे ये टेस्ट बनना चाहिए कि मैं क्लिनिक्स में कैसे कर पाऊंगा, है ना। तो आप वो एक एनालिसिस लेकर चलिए मन में कि आप पढ़ क्यों रहे हैं, तो चीजें आसान होगी। उसी तरीके से न्यूट्रिशन में आपको, जैसे विटामिन जनरल में हमने देखा 6 विटामिन, आपने मेरे विटामिन के वीडियो ना देखा हो तो जरूर देखें, मैंने बहुत अच्छे से समझाया अप्रोच कैसे करते हैं, ओके। सारी डिसीजेस है, डिसीज को आपको कुछ नहीं, आपको कोई आंसर लिखना नहीं है एग्जाम में, आपको पेशेंट को ठीक करना है। तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए, क्यों हुआ,
क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं डायबिटीज जैसे डिसीज को, क्लिनिकल फीचर्स क्या मिलेंगे, कैसे डायग्नोस करेंगे और ट्रीटमेंट क्या करेंगे अगर उसका बायोकेमिकल बेसिस है तो, जैसे एड्स में होता है। तो ये चीजें आपको बस इन्हीं हेडिंग्स को आप पहले दिमाग में बिठा लीजिए। तो आप जब टेक्स्ट की रीडिंग करते हैं ना तो आपको फिल्टर करते आना चाहिए। आप इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में ही 2 घंटे लगा देंगे तो काम नहीं चलेगा। तो पहले दिमाग में क्लियर रखिए कि पहले इतनी इन्फॉर्मेशन मैं निकाल लूं, उसके बाद आराम से पूरा साल पड़ा है, पूरा टाइम है आपके पास बुक रीड करने का। अभी आपको पहले कोर चीज पहले पता होना चाहिए, ओके। उसी प्रकार से जो आपका टेक्निकल पार्ट है जिसमें क्रोमेटोग्राफी और ये सारी चीजें हैं, तो आपको कोई भी टेस्ट हुई तो पहले प्रिंसिपल का कुछ टेक्स्ट निकाल लीजिए बुक में से पढ़ के, क्लासिफिकेशन, एप्लीकेशन, ओके। तो इससे आपको एक कंसाइज इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, फिर आप अपना नॉलेज बढ़ाते रह सकते हैं। अब मैं आपसे बताता हूँ चार्ट्स बनाने कैसे हैं। तो जैसे आप हमेशा चार्ट बनाने का एक तरीका है कि ऐसे नोट डाउन करने की बजाय आप टेक्स्ट पढ़ते जाओ और उसको उसी को पढ़ते पढ़ते आप उसके फ्लो चार्ट बनाओ। मतलब अगर टेक्स्ट में लिखा है लिपिड्स आर क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग, तो आपने ये एरो बना दिए, फिर वो कहता है सिंपल लिपिड्स आर क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग, तो आपने सिंपल लिपिड की डेफिनेशन लिखी, फिर क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग, फिर सिंपल लिपिड को अब आप छोड़ दो, ठीक है। फिर वो बोलता है कंपाउंड्स लिपिड की डेफिनेशन और आर क्लासिफाइड एज दिस, तो आप उसको ढालिए फ्लो चार्ट के फॉर्म में, ओके। फिर वो कहता है कि नाउ डिराइव्ड लिपिड्स, तो डिराइव्ड लिपिड्स में आपको वापस डेफिनेशन और उसको कैसे आप कर सकते हैं। सो इस तरीके से आपको उसको क्लासिफाई करना है और अल्टीमेटली फिर और क्लासिफाई होते जाता है। अब उसने फैटी एसिड का क्लासिफिकेशन बताया तो आपको ऐसे बनाना है, तो इससे आपके फ्लो चार्ट हो गए। अब यही फ्लो चार्ट आपने रफ में बनाया है जो हम आपको पहली रीडिंग में कह रहा था, अब इसको आप फेयर में बनाएंगे, तो अब आप सिंपल कंपाउंड डिराइव को पूरा कॉम्प्लेक्स को एक बार बनाएंगे, फिर इसको आपको रिविजिट करना है जैसे मैंने आपको ड्यूरेशन बताई। बाकी जनरल में आप आराम से इसको हफ्ते में एक बार भी देख सकते हैं, पर जो मेटाबॉलिज्म है उनको आपको 2, 4, 7 याद रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज है। अब जो आपको गोल्डन रूल है जो हमेशा याद रखना पड़ेगा, जैसे आप अनाट को ट्रीट करते हैं बिल्कुल वैसे बायोकेमिस्ट्री को ट्रीट करिए। आप एनाटॉमी में क्या करते हैं, आपको कुछ नहीं, फेशियल नर्व नहीं बनती, आप क्या करते हैं बस फेशियल नर्व का डायग्राम देखते हैं, फिर उसके बाद आप टेक्स्ट पढ़ते हैं कि वो कहना क्या चाह रहा है। तो बायोकेमिस्ट्री में बस साइकिल एक बार पढ़ के, टेक्स्ट पढ़ के देखिए, आपको लिटरली आसान होगा। आप क्या करते हैं पहले पूरा टेक्स्ट पढ़ने बैठ जाते हैं फिर साइकिल बनाते हैं, तो कुछ याद रहने का मतलब ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, याद हो ही नहीं सकता। पहले आपको साइकिल क्लियर होना चाहिए। साइकिल में आपको कुछ नहीं आया, आपको बस इतना पता चला कि फॉस्फेट जुड़ रहा है। अब टेक्स्ट पढ़िए तो अब उसमें लिखा रहेगा ये चीज कि फॉस्फेट जुड़ा है, फॉस्फेट के लिए एंजाइम क्या होता है, काइनेज। तो ये चीज जब क्लियर होगी, जब आपके माइंड में पहले से साइकिल छपी होगी, तो प्री कंडीशन करिए अपने माइंड को कि बायोकेमिस्ट्री डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। जैसे आपने अनैट में मास्टरी करी है वैसे ही आप बायोकेम में भी कर सकते हैं। और हमेशा एक कॉपी पेन के साथ बैठिए, वो जो भी कह रहा है बुक वाला उसको आप एक फ्लो चार्ट में बनाते चलिए रिदम में। उसको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, पैराग्राफ का पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे मैंने बताया उसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में ढाल लीजिए, ओके। तो अगेन, अगर इस वीडियो ने आपका थोड़ा भी चेंज लाया हो और अब आपको मोटिवेशन के साथ साथ एक डायरेक्शन भी मिला हो, तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा ये अभी की ज़रूरत है, तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कॉमेंट बॉक्स में या तो फिर इन प्लेटफॉर्म्स पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।